नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज। मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। नगर पंचायत किसनी के काशीराम आवास रोड पर बने कान्हा पशु आश्रम स्थल का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्नोत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में किसनी चेयरमैन अनिल मिश्रा उर्फ गुड्डू, किसनी थाना अध्यक्ष अजीत सिंह तथा कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष भाजपा प्रदीप सिंह चौहान सहित जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल रहे। पिकअप मोटरसाइकिल सवार की भिड़ंत में युवक की मौत। आपको बता दें, मैनपुरी थाना भोगांव आलीपुर खेड़ा की तरफ से पिकअप सवार भुइया लेकर मैनपुरी जा रहा था। इधर से बाइक सवार दाताराम साक्य पुत्र जगदीश प्रसाद साक्य मृतक ग्राम कपरावली हाजीपुर नेरा पोस्ट सौथरा जिला फरोजाबाद का रहने वाला था। नवविवाहिता का शव घर में पड़ा मिला। ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। ससुराली जन मौके से हुए फरार। पति समेत तीन लोगों पर हत्या का आरोप। आपको बता दें, मैनपुरी थाना बिछवान के अंजनी गांव की है घटना। चेकिंग अभियान में पुलिस ने आने वाले वाहनों की संघ में चेकिंग की। बिना मास्क लगाए यात्रा कर रहे यात्रियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यात्रा करनी है तो मास्क लगाओ, वरना चालान काट दिया जाएगा। मैनपुरी थाना दन्नाहार पर हो रही है चेकिंग। झोला छाप डॉक्टरों पर प्रशासन के द्वारा नहीं लगाई जा रही है लगाम, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की जा रही है जान। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 62 वर्षीय वृद्ध की गई जान। पहले टैबलेट फिर इंजेक्शन लगाया, उसके तुरंत बाद हुई मौत। मैनपुरी के ग्राम अणुपुर अंजनी का है मामला। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के द्वारा स्वयं शहर में भ्रमण किया गया। शहर का निरीक्षण कर ड्यूटी पर लगे अधिकारी कर्मचारी को निर्देश दिए गए। मैनपुरी से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट।